everyone, welcome and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great. First of all, happy Diwali to all. So guys, पूरा vlog shoot हो चुका है. जो जो आज पूरे दिन में मैंने किया है सारा shoot कर लिया है. रंगोली कैसे बनाई and पहली वाली मुझे रंगोली ज्यादा अच्छी लगी थी जो last year बनाई थी. अब वाली थोड़ी सी कम लगी but best थी. and एकदम से मुझे गुन्नू का phone भी आया था कि रंगोली बहुत अच्छी बनाई है. सो उसके बाद मैं गई थी ऑफिस. ऑफिस में क्या क्या तैयारी की सारा व्लॉग में शूट किया है. एंड उसके बाद घर आके कैसे प्रिपरेशंस की. फिर मैं गई थी गुरुद्वारे से. पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया है. थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है बट यस किया है. एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी पहले से बेटर है. एंड बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा. अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना. सो अब आप पूरा व्लॉग देखो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा. सो गाइज, मैंने इससे पहले एक व्लॉग बनाना था दिवाली शॉपिंग का व्लॉग बट मैंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कम की है. कि ऐसा है कि मैंने ज़्यादा शॉपिंग की नहीं तो मैं व्लॉग में क्या दिखाती. तो मैं आप सबको यहीं पे बता रही हूँ. सो मैं लेके आई थी शुभ दीपावली. गेट के बाहर एक यही लगाया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया. लास्ट ईयर का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तब मैं माला वगैरह लेके आई थी तो वो सब लगाया था. इस टाइम सिर्फ मैंने शुभ दीपावली लगाई. एंड आपने पॉलीथिन में देखा है कि मैं लेके आई थी मेहंदियाँ. ठीक है, मेहंदी की कीप लेके आई थी, दो लेके आई थी. तो वो इसलिए था कि मैं खुद लगा लूँगी. एंड अगर बाहर जाओगे एक तो भीड़ भी बहुत है, सेकेंडली एक हाथ का 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और भीड़ के चक्कर में भी वैसे ही इतना नहीं पड़ना बिकॉज टाइम बहुत कम था, सिर्फ एक दिन था. मेहंदी लगाने का मुझे वैसे ही बहुत शौक है तो मैं हमेशा से ना कभी लाइक 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाके कलर्स ले आती हूँ और सॉरी मैं कीप ले आती हूँ. सो यहाँ पे मैं कलर्स जो लेके आई थी एक पैकेट में पैक थे, वो 100 रुपीज़ उन्होंने मुझसे चार्ज किया था 10 बॉटल्स का. लास्ट ईयर एक बॉटल का 15 रुपीज़ चार्ज किया था. सो अब पैकिंग थी बट लास्ट टाइम बेनिफिट ये था कि मैंने कोई भी कलर चूज़ करना था तो मैं कर सकती थी. ऐसा नहीं था कि मुझे जो पैक है वही मिलेगा, वो मेरे सिलेक्टेड कलर्स थे. बट इस बार ये जो कलर्स है वो उनकी चॉइस के पूरे पैक थे. आप सबके सामने ही पैकिंग मैंने खोली है. एंड उससे एक मुझे ये हो गया कि पहले बेनिफिट ये था कि मैं अपने मन से कोई भी कलर चूज़ कर सकती थी, जैसे कि रंगोली में डार्क कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो इसमें मैं कलर चूज़ नहीं कर पाई, सारे सेम कलर थे हर एक पैकिंग में. सो लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर मैंने गोल रंगोली बनाई थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी. बिल्कुल सर्कल में थी एंड वो बहुत प्यारी खिल के आई थी. इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट हो जाए, स्क्वायर की शेप में ली जाए. सो इस बार डिफरेंट बनी है बट सबको पसंद आई है. मुझे थोड़ा हुआ कि अगर मैं सर्कल में बनाती तो ज़्यादा अच्छा लगता. एंड गाइज, मैं रंगोली बनाने बैठी थी 12:30 या 1:15 में बैठी थी एंड उसके बाद बीच में मैंने खाना खाया था. सो इस करके टाइम तो लग गया था रंगोली को. 3:45 मैं फ्री हुई थी उसके बाद, काम सब करने के बाद 3:45 फ्री हुई थी. लास्ट ईयर की रंगोली थी छोटी तो कम टाइम लगा था, इस बार की रंगोली थी बड़ी. सो आपको रंगोली कैसी लगी मेरी बनाई हुई, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो कार्डबोर्ड्स कटिंग है ये मैंने खुद से की हुई थी. लास्ट ईयर थोड़े कार्डबोर्ड्स कटिंग बनाए थे, इस साल भी मैंने दिए के बनाए थे. एक दिया का बनाया था, एक पत्ती का बनाया था, मतलब 3-4 ना मैंने ऐसे स्टेंसिल्स खुद के ड्रॉ कर लिए थे, बाहर से नहीं खरीद के लाई थी. एंड ये आपको बहुत ईजिली अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हो. एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगाती थी और उसे उठा लिया. ठीक है, सो बहुत ईजिली बन जाता था सब कुछ बट आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि रंगोली बहुत ईजिली बन जाती है, थोड़ा ट्राई करोगे तो अपने आप आ जाएगी. मुझे भी लाइक स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में बहुत छोटी रंगोली बनाती थी. पहले साल तो अच्छी नहीं बनी थी, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक छोटी मोटी सी थी. सेकेंड ईयर अच्छी हुई, थर्ड ईयर बहुत अच्छी हुई और फोर्थ ईयर की मैंने बहुत बड़ी, अपने हिसाब से बड़ी रंगोली बनाई है. अदरवाइज लास्ट ईयर भी छोटी बनाई थी. सो वही बात है कि अगर आप धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट. सो जैसे ही आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ आती जाएगी, आप बहुत परफेक्टली रंगोली बना लोगे. एंड मुझे शौक था, हमारे घर पे कोई नहीं बनाता था तो मैं अपना शौक पूरा कर रही थी. जस्ट इसलिए मैं पिछले 4 सालों से रंगोली बनाती हूँ. सो गाइस, किस किस के घर में रंगोली बनती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड किसने किस से रंगोली बनाना सीखा, जैसे मैंने खुद से सीखी है, सो आप सब ने किस से सीखा, खुद से या अपनी सिस्टर से, मदर से. सो आप सब ये मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन.
सो यहाँ पे मम्मा रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो एंड मैं उनसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताओ ये सेंटर में है कि नहीं है, फिर मैं इसे टाई कर दूंगी। सो गाइज अभी आपने जो रंगोली की पीछे क्लिप देखी है वो कंप्लीट नहीं थी बिकॉज इसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया था, रिंग लाइट की भी स्पेस नहीं था एंड कैमरा का स्टैंड रखने का भी स्पेस नहीं था, तो मैंने बंद कर दी थी वहाँ पे रिंग लाइट भी एंड स्टैंड भी हटा दिया था, तो कोई क्लिप नहीं बनी। अब इसके बाद देखना फुल कंप्लीट। एंड हियर इट इज। सो गाइस यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, दिए को वॉश कर दिया। इस बार ज्यादा छोटा नहीं आया? कोई बात नहीं चलो लेट्स गो। मैंने अपनी तरफ से रंगोली बना दी है, इस बार बड़ी बनी है बट उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी बार पहले बनी थी। पहले सर्कल थी, अब स्क्वायर जैसी बनी है ठीक बनी है। अब मैं जा रही रेस्ट करने बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 12:30 शुरू की थी एंड सारी डेकोरेशन वगैरह कर करके काम कर करके 4:15 हो गए। अब रेस्ट टाइम क्योंकि 5 बजे जाना है हमने ऑफिस। इस बार रंगोली के कलर भी अच्छे नहीं मिले थे बिकॉज इन लोगों ने ना पूरे पैक किए हुए थे। लास्ट टाइम जब मैं लेके आई थी तो खुद चूज करके कलर्स लेके आई थी, अब पूरा पैक था। सो उसी चक्कर में थोड़ा लाइट कलर डार्क कलर वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं आया, बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स थे। बट जो डार्क कलर्स मेरे पास पहले के थे वो भी मैंने यूज़ किए हैं एंड अब मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कैसी लगी है आपको? अच्छी आई है। अच्छी है, पहले जैसी नहीं आई ना? नहीं ठीक है, पहले अलग थी अभी अलग है। अभी अलग है हाँ। वैसे दिए वगैरह चलेंगे ना तो अच्छा लगेगा। हाँ, दिए लगाएंगे है ना, शाम को बनाएंगे रील। बिकॉज गाइज मैंने कोई रील भी नहीं बनाई, कोई भी रील नहीं बनाई बिकॉज वैसी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी थोड़ी सी आवाज़ आपको लग रही होगी कि ठीक नहीं है बट आवाज़ में पहले से फ़र्क है, अदरवाइज 4 दिन से आवाज़ तो पता ही नहीं चल रही थी कि मेरी है कि नहीं है। मेरी आवाज़ में फ़र्क हो गया है ना मम्मी थोड़ा सा? अब थोड़ी ठीक है, चलो रेस्ट करते हैं। 5:00 जाएंगे हम पापा के ऑफिस। सो गाइज इसके बाद हम आ चुके थे पापा के ऑफिस में एंड छोटे होते से जैसे जैसे पापा जो जो रिचुअल्स करते हैं बंदी छोड़ दिवस पे और दिवाली पे, सो वो रिचुअल्स कर रहे हैं। एक्चुअली गाइज वी आर बिलोंग्स टू सिख फैमिली, सो हमारे लिए दिवाली से ज़्यादा माना जाता है बंदी छोड़ दिवस। सो यहाँ पे जो भी सिख फैमिली का मेंबर या कोई भी जो सिख फैमिली से बिलोंग कर रहा है मेरा व्लॉग देख रहा है तो सबको हैप्पी बंदी छोड़ दिवस दी, सारे नु लख लख मुबारक। सारे का नवा साल जो आने वाला बहुत चंगा होए, सारे दे काम विद बाबा जी तरक्कियां बख्शन, सारे नु खुशहाल भरी जिंदगी देन, ते सारे दी जो भी मुरादा ने जो भी विशेस ने सारी सारी पूरियां होन, वाहेगुरु जी सबना नु चढ़दी कला च रखन। सो जैसे पापा बचपन में हम छोटे होते देखते थे जैसे करते थे पापा, सो हम वो चीज़ अब मोंटी खुद कर रहे हैं बिकॉज पहले हम बचपन में देखते थे कि पापा कैसे करते हैं, सो अब वो सारी सेम चीज़ें मोंटी सिंह जी खुद करते हैं। एंड इसके बाद मोंटी सिंह जी अरदास करेंगे एंड उसके बाद प्रसाद मिलेगा एंड उसके बाद हम लगाएंगे कैंडल्स सारी ऑफिस के बाहर। पहले मैं लगाती थी, इस बारी मैंने जस्ट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मेरी जो ड्रेस थी आप अभी नहीं देखना उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी तो वो पैरों में आ रही थी, तो मैंने कहा मम्मा इस बारी आप लगा दो एंड मम्मा ने लगाई एंड इसलिए मैं बहुत अच्छे से क्लिप्स ले पाई, सारी वीडियो शूट कर पाई कि ऑफिस में क्या क्या हुआ है। सो अब आप देखो कि हमने कैसे क्या क्या किया, कैसे अरदास की मोंटी सिंह जी ने एंड वंस अगेन सारे नु बंदी छोड़ दिवस दी लख लख मुबारक, दिवाली दी भी लख लख मुबारक। अमरदास रामदास से हुई सर
अर्जन हर गोबिंदो सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिठे सब जो तेग बहादुर सिमरी है करनो निध्या वेता है सब थाई हो साहे सच्चे पातशाह जीओ सच्चे पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब सब थाई हो साहे दसा पातशाहां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे वाट वाट दे दा ते अंतरे खालसा जी बोलना जी वाहेगुरु पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा ध्यान करके बोलना जी वाहेगुरु जिथे में सरबत खालसा जी की अरदास सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे चित आऊंगे सतखा सरब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहे तहाँ तहाँ रशिया रह देख ते फतेह बेद की पाई पांच की जी श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल पाले बोलना जी वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विशाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौके झंडे भुगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी वाहेगुरु सिखा तो मन नहीं मत तुझी मत रखा वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ सदा सहित ताजी श्री ननकाणा साहब तो होर गुरुद्वारे गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन की दात सेवा संभाल दान कर जिन्हों बख्शो हे निमाण दे मान नी तन तन न्यूटे चुट तो वाहेगुरु जी आप जी हजूर बंदी छोड़ दिवस दिवाली की अरदास लिए हाजिर है बाबा जी मेहर करनी सभना मेहर करने हाथ रखना बाबा जी सभना के काम काज खोलना आखर वादा घाटा पुल चुक माफ करनी सरबत कर रास करना सही प्यारी मेल जिन मिलिया तेरा नाम चेता आवे नानक नाम छड़दी गला तेरे पाणे सरबंदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो गाइस
इसके बाद मम्मा और मैं घर पे आ गए थे एंड मैंने आप सबको दोबारा से रंगोली दिखाई। अब हमने यहाँ पे हट्टी रखनी है, तो वो जगह मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रही थी। अब आप इस ब्लॉग में सब देखोगे। उसके बाद दिए में डालूंगी सरसों का तेल एंड बाती डालेंगे, फिर हम जाएंगे गुरुद्वारे साइड। मैं बोतल हटाना। गुरुद्वारे से होके आ गए थे एंड घर पे कैंडल्स एंड दिए सब लगा दिए थे
एंड अपनी रंगोली भी साइड से अच्छे से डेकोरेट जो भी करना था सब कुछ कर दिया था। एंड इसके बाद मैं टायर्ड फील कर रही थी, मैं जाती थी सोने के लिए, बट एट लास्ट मोंटी सिंह जी टेरेस पे गए तो मोंटी ने आवाज़ लगाई कि शिवा टेरेस पे आ जा। एंड गाइस हमने कोई भी बम पटाखे इस बार नहीं लेके आए थे, कोई क्रैकर्स नहीं आए थे हमारे घर में। एंड हमारे घर पे पहले से फुलझड़ियां पड़ी हुई थी बट हमने वो भी नहीं जलाई थी पॉल्यूशन की वजह से, हमें कोई भी क्रैकर्स नहीं जलाने थे। एंड सेकेंडली फुलझड़ियां पड़ी हुई हैं वो तो मैं भूल ही गई थी। फिर मोंटी सिंह जी ने कहा कि जो हमारे यहाँ पे डोले पड़े हैं, हम इसे डोले बोलते हैं, वो ले आओ। दो या तीन ही थे हमने जलाए जस्ट, उसके बाद हम आ गए थे अपने घर पे। एंड बस हमने ऐसे ही दिवाली बनाई। एंड यहाँ पे जो भी बम पटाखे आपको दिख रहे हैं ये हमारे नहीं है, ये मैं जब टेरेस पे गई थी तो मैं देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने शूट कर लिया, दैट्स इट। अदरवाइज गाइस हम सब ने पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाई थी बिकॉज पहले से इतना बीमार थे हम लोग, पॉल्यूशन की वजह से ही कोल्ड कफ सब कुछ था, गला ख़राब, अभी भी आवाज़ में आपको पता चल रहा है। सो और हमने क्या पॉल्यूशन फैलाना और मुसीबत पल्ले पानी, इसलिए पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाई, बहुत अच्छा लगा। यस टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे, मम्मा भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी बिकॉज गाइस दो तीन दिन से ना दिवाली के चक्कर में हमने ये सामान लेना वो सामान लेना मिठाई लानी सब चीज़ें बंदा थक ही जाता है। सो मम्मा और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, फिर आके हमने थोड़े बहुत सीरियल देखे एंड जाके हम सो गए। सो कुछ ऐसे ही हमने दिवाली मनाई। एंड आप सबके साथ मैं छोटा सा ब्लॉग शेयर किया बिकॉज लास्ट ईयर नहीं बना पाई थी तो आप सब पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, सो इसलिए ये ब्लॉग बना लिया। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा है। एंड हमारे डोले जो दो सही गए थे, एक तो हमारा ख़राब हो गया था वो नीचे ही गिर गया था, एंड ये दो बहुत दूर तक गए थे, पूरी वीडियो शूट करी थी मैं, सो बहुत अच्छा लगा था कि थोड़ी सी हमने लाइक खुशी मनाई, वो भी बहुत अच्छी लगी थी। एंड फैमिली के साथ मिलके कुछ भी फेस्टिवल मनाया जाए बहुत अच्छा लगता है। सो टचवुड सबकी फैमिली हमेशा इकट्ठे सारे फेस्टिवल्स मनाए एंड हैप्पी रहे, सारे हंसते वसते रहो, खुश रहो, बाइकू जी सब लोग करते हैं बक्शन एंड सारे की हेल्थ चंगी रखें, आन वाला साल सारे की बहुत खुशियाँ भरिया हुआ है, सबना सेहत मिलकर हाथ रखना सच पाशाह जी, सबना नू अच्छी मत बख्शना, अच्छे कारोबार बख्शना, सबना भी हर एक पुराना पूरिया कर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आपने करना है लाइक शेयर एंड कमेंट। सो दैट्स ऑल इन टुडेस ब्लॉग एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वाचिंग।